नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है देश की सभी बड़ी मंडियों के लहसुन के ताज़ा भाव में। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि देश की सभी बड़ी मंडियों में लहसुन की ताज़ा स्थिति क्या बनी हुई है, यानी कौन सी मंडियों में लहसुन के भाव में हाल फिलहाल में तेज़ी देखने को मिली है, वहीं कहां मंदी देखने को मिली है। और किसान भाइयों के लिए दोस्तों अच्छी खबर आ चुकी है, क्योंकि जो लहसुन है उसके भाव में लगातार है वो तेज़ी देखने को मिल रही है। कई मंडी में लहसुन के भाव में बम्पर तेज़ी देखने को मिल रही है। साथ ही आने वाले समय में लहसुन के क्या भाव रह सकते हैं, पूरी जानकारी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने साथी किसान भाइयों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि लगातार देश की बड़ी मंडियों के लहसुन के ताज़ा भाव हम आप तक सबसे पहले पहुँचाते हैं। साथ ही अगर आप अपना लहसुन बेचना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूरी जानकारी लिख दें, यानी आप कहाँ के रहने वाले हैं, कितना क्विंटल आपके पास लहसुन है, किस दर पर बेचना चाहते हैं, ताकि हमारे साथ जो भी व्यापारी भाई जुड़े हुए हैं आपका लहसुन अच्छी दर पर खरीद सकें। जैसा कि दोस्तों पता होगा, आप भी पिछले 5 से 6 दिनों में नोटिस कर रहे होंगे कि लगातार आपके जो भी लहसुन है उसके भाव में तेज़ी देखने को मिल रही है। साथ ही मार्केट में लहसुन की आवक भी कम हो चुकी है, तो अब आपकी डिमांड बढ़ेगी। साथ ही लहसुन के भाव में बम्पर उछाल है वो आपको आने वाले समय में है वो दोस्तों देखने को मिलने वाला है। इस सीज़न में सबसे ज़्यादा किसान भाइयों को नुकसान हुआ है, क्योंकि पहले आपका लॉकडाउन और कोरोना महामारी के वजह से मंडियां बंद थी, उसकी वजह से आपका लहसुन का आदान प्रदान वो मंडियों में नहीं हो पाया था, उसकी वजह से आपके लहसुन के भाव में काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। परंतु दोस्तों अब धीरे धीरे किसानों के लिए अच्छी खबर आ चुकी है, क्योंकि लहसुन के भाव में तेज़ी देखने को मिली है। वही चाइना का जो लहसुन है उस पर पूर्णतः है वो कई देशों ने रोक लगा दी है, तो भारत के जो लहसुन है उसकी डिमांड भी कई देशों में बढ़ रही है। तो धीरे धीरे आपको है 1 महीने में अच्छे खासे भाव है वो मिलने वाले हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कौन सी मंडियों में आपके लहसुन के क्या भाव चले। मध्य प्रदेश की दोस्तों बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बडनगर मंडी में आपके 6300 रुपये से 9500 रुपये तक आपका लहसुन बिक रहा है। बडनावार की मंडी में 2000 रुपये से लेकर 9400 रुपये बिक रहा है। देवास की मंडी में 2000 रुपये से लेकर 4500 रुपये बिक रहा है। वहीं दोस्तों आपकी बात करें नीमच मंडी की, नीमच मंडी में 7000 रुपये से लेकर 16500 रुपये तक आपका लहसुन है वो यहाँ मध्य प्रदेश में बिक रहा है। अगर दोस्तों महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 2 ही मंडियों में पिछले दिनों में आवक हो रही है। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आवक आपकी कम हो चुकी है। यहाँ राहुगुरी मंडी में आपके 7000 रुपये से लेकर 9000 रुपये, पुणे मोर्सी मंडी में 5 से 8000 रुपये। वही दोस्तों अगर बात करें नासिक की मंडी में, यहाँ 7000 रुपये से लेकर 12000 रुपये तक आपका लहसुन है वो महाराष्ट्र में बिक रहा है। अगर दोस्तों पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब की अमृतसर मंडी में, जो आपकी मेवा मंडी भी बोला जाता है, उसमें 2800 रुपये से लेकर 9000 रुपये। वही दोस्तों बठिंडा की मंडी में 6000 रुपये से लेकर 9000 रुपये तक आपका लहसुन बिक रहा है। फजीकाबाद में आपके 2500 रुपये से लेकर 3500 रुपये तक। वही दोस्तों औसत भाव की बात करें तो यहाँ टंडा उंदुर में आपके 10000 रुपये तक आपका लहसुन है वो बिक रहा है। राजस्थान की दोस्तों बात कर लेते हैं, राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में 6000 रुपये से लेकर 10000 रुपये, जालौर की मंडी में 900 लेकर आपके 10000, बारान की मंडी में 4200 रुपये से लेकर 10990। वही दोस्तों बाकी मंडियों की बात करें तो यहाँ औसत भाव है वो बाकी राज्यों से अच्छे हैं। अगर दोस्तों बात करें उत्तर प्रदेश की मंडी की, उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में यहाँ 5700 रुपये से लेकर 6900 रुपये तक आपका लहसुन बिक रहा है। अगर औसत भाव की बात करें तो औसत भाव यहाँ दूसरे राज्यों की तुलना में वो मीडियम भाव बिक रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश में भी आपके भाव धीरे धीरे पिछले कुछ दिनों में है वो तेज़ी देखने को मिली है। तो दोस्तों आपको जल्द ही है अच्छे खासे भाव मिल सकते हैं, और अगर आपका लहसुन ख़राब हो रहा है तो आप लहसुन बेच सकते हैं, क्योंकि आगे आपका मानसून सीजन है वो जारी रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय किसान।